वंदे कृष्णं वंदे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहग रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा नयनानंद महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। आज बड़े हर्ष का विषय है और बहुत कृपा का विषय है कि इस अधिक मास के अवसर पर श्री महाराज जी की अनुकंपा से श्री राधा नयनानंद महाराज जी की कृपा से उन्हीं के प्रांगण में आज सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है। आज से 7 दिन तक 1 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का निश्चित समयावधि 3 बजे से प्रतिदिन वाचन होगा। आज क्योंकि समय हमारे पास कम है, 3 से 5 बजे का ही है, तो हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आज की कथा प्रथम दिवस की कथा है और वैसे देखा जाए तो प्रथम दिवस में ही मुख्य जो भी कथा की बातें हैं या जो भी कथा के नियम हैं और वो महात्म्य, इन सभी की चर्चा की जाती है। और वैसे पूरे 7 दिन तक समय कम ही रहता है और चर्चाएं करने के का, क्योंकि विषय इतने हैं भागवत जी के, इसलिए प्रथम दिवस में ही या थोड़ी बहुत सप्तम दिवस में हम चर्चा कर सकते हैं और समय अवधि कम है, इसीलिए कथा में 2 बातें आती हैं। कथा 2 तरह से होती है, एक सिद्धांत के अनुसार और एक दृष्टांत के अनुसार, दोनों का मिश्रण रहता है। परंतु आजकल कथा में दृष्टांत ज़्यादा रहते हैं, सिद्धांत कम रहते हैं, क्योंकि समय अवधि को देखते हुए हमारी सिद्धांत रूपक कथा है जो भी हमारी भागवत जी में या हमारे गौड़ीय शास्त्रों में या अन्य अन्य हमारे श्रुतियों में जो व्याख्या है, जो सिद्धांत हैं, उन्हीं के अनुसार हमारा प्रयास रहेगा इन 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा को कहने का, उन्हीं सिद्धांतों को जोड़कर उनसे मिलाना। तो अधिक समय नष्ट ना करते हुए आज हम प्रथम दिवस की चर्चा प्रारंभ करते हैं।
लगभग श्रोता भी सुनने वाले सब आ ही रहे हैं। जैसे भागवत जी के विषय में कहा जाता है कि भागवत जी प्रभु का साक्षात विग्रह है, शब्द में ही प्रतिमूर्ति है। जैसे शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि तमाल देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजाम्यहम भागवत स्वरूपम। इस प्रकार हम कहा जाए तो अपार संसार से पार होने के लिए हम तमाल वर्ण आदि देव श्री कृष्ण की शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। ये श्लोक का सार है, भजन करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, एक ही बात है। देखिए भागवत जी में एक श्लोक भी आता है, प्रभु से दो धाराएं निकली हैं, एक भागीरथी और दूसरा भागवती। भागवत जी में एकादश स्कंद के छठे अध्याय में एक श्लोक प्राप्त होता है, जब सभी ने प्रभु की स्तुति की है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी तथा सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। उसमें श्लोक बोला गया है कि विभ्यस्त वामर कथो दव हास्त्री लोक्या पादावनेज सरित शमला निहंतु आनुशवम श्रुति भिरंग ध्रिजमंग संगई तीर्थ द्वयम शुचिश दस्त और उपस्पृशंति। दो धाराएं, एक तो जब ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालन के लिए जल अर्पण किया था तो गंगा जी भगीरथी, जिसमें कि हम सभी जन हम उसमें स्नान करके आचमन करके अपने पाप ताप मिटाते हैं, और दूसरी है भागवती, कथा श्रवण कानों के द्वारा श्रवण मनन करके हम अपने ताप पाप ताप दूर करते हैं, भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। एक के पास आपको स्वयं चल के जाना पड़ता है, यदि गंगा जी में स्नान करना हो तो आपको जाना पड़ेगा, एक को आपको निमंत्रण देना पड़ता है, वह स्वयं अपने आपके पास आती है, वो है भागवती। दोनों ही कल्याणकारी है, दोनों का एक ही फल है। और भागवत जी में तो कई जगह पर ऐसा वर्णन आता है कि स्वकीय यद भवे तेजस तच्च भागवती तथा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णव पैने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनान श्रवणान पाठान दर्शनान पापनाशिनी। ये दो श्लोक महत्व के ही हैं कि जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप तो लीला संवरण करके चले जाएंगे तो आपके बाद इस धरती के पाप कौन मिटाएगा, कैसे शांति मिलेगी, कैसे इस कलयुग से निवृत्ति होगी, तब श्री कृष्ण ने स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते तथा अपनी सारी समस्त शक्तियां इस भागवत जी में समाधिष्ट कर दी, निहित कर दी और स्वयं भी इस भागवत समुद्र में प्रविष्ट हो गए। इसीलिए कहा गया कि तैने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। इसलिए सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, इसकी सेवा करने से, इसका दर्शन करने से, इसका श्रवण करने से समस्त पापों की दुखों की निवृत्ति होती है। ये महत्व का ही प्रसंग है। आज क्योंकि ये तो भागवत जी का स्वरूप हुआ, सूक्ष्म रूप से ही सभी चर्चाएं संभव हो पाएंगी, तो भागवत जी का ये स्वरूप हुआ। अब हमें सबसे पहले बहुत सी बातें आती हैं, जैसे कई लोग जिज्ञासा करते हैं कि महाराज भागवत जी में या भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होना तो बड़ा कठिन है, बहुत नियम संयम कर्म बहुत सी बातें हैं, कैसे इनका अनुशीलन किया जाए, कैसे पालन किया जाए,
क्या क्या विचार हैं, क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए कोई नियम नहीं, ज्ञान के लिए नियम है, योग के लिए नियम है, तप के लिए नियम है, यज्ञ के लिए नियम है, भक्ति के लिए कोई नियम नहीं। भक्ति सर्वत्र और सर्वदा कभी भी और कहीं भी हो सकती है, किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। परंतु कुछ बातें यदि भक्ति में समाहित हो जाएं, तब इसका प्रभाव जो है वो बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत आनंद आता है। उन कुछ विषयों की चर्चा हम आज सूक्ष्म रूप से करेंगे। जैसे सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, नियम नहीं है परंतु यदि हम करते हैं तो बहुत आनंद की बात है, उसमें भक्ति मार्ग में बहुत जल्दी प्रवेश, क्योंकि क्रम है, अभी आगे धीरे धीरे आएगा, उस क्रम का भी हम वर्णन करेंगे। जैसे भाव भक्ति के क्रम है, प्रेमा भक्ति के क्रम है, परंतु प्रथम क्या है, सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है, इस बात को हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्रम आता है श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। और भक्ति से ही तात्पर्य नहीं है, आप अपने जीवन में कुछ भी करें, कोई भी काम करें, व्यापार करें, आपकी यदि श्रद्धा उसमें नहीं होगी तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप कलाकार हैं, यदि आपकी अपनी कला में श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो उस कला में आपको आनंद नहीं आएगा, आप आगे नहीं चल पाएंगे। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी श्रद्धा होना परम आवश्यक है। श्रद्धा का तो बहुत विस्तृत रूप में हमारे सभी स्थानों पर वर्णन आया है, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, श्रद्धा के बिना तप नहीं हो सकता, जप नहीं हो सकता, हवन नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं मिल सकता, कोई भी कार्य श्रद्धा के बिना संभव नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, श्रद्धा बिना धर्म न हुई, श्रुतियों का, पुराणों का वचन है, हमारे यहाँ आता है। और यदि हम चर्चा करें अपने गौड़ीय वैष्णवों के अनुसार, तो रूप गोस्वामी का यदि आश्रय लें तो उन्होंने भी दो श्लोकों में प्रेम के प्रादुर्भाव के क्रम का वर्णन किया है, उसके 9 चरण बताए हैं। वो इस प्रकार है, जैसे आदौ श्रद्धा तत् साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा सत्यस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चपि साधकानामयं प्रेम्न प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये 9 क्रम है, इसमें भी प्रथम स्थान श्रद्धा का है, आदौ श्रद्धा, उसके बाद सारे क्रम हैं, तत् साधु संगो, श्रद्धा होगी फिर साधु संग, संत समागम होगा, गुरु शरण में बैठकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, भक्ति मार्ग और भक्ति सुदृढ़ होगी। उसके बाद क्या क्रम है, भजन क्रिया, तीसरा क्रम, तब हमारी भजन क्रिया प्रारंभ होगी। उसके बाद ततो अनर्थ निवृत्ति, अब यदि अनर्थ निवृत्ति की बात करें तो 4 प्रकार से अनर्थ निवृत्ति की व्याख्या की गई है। एक है अपराध जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ के 3 प्रकार के अपराध बताए गए हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध, ये अपराध जात अनर्थ है। फिर दुष्कृति जात अनर्थ, लोगों की निंदा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना, ये सब अपराध जात अनर्थ है, ये सब दुष्कृति जात। फिर है सुकृति जात, सुकृति जात अनर्थ में क्या आता है, वैभव, सम्मान, यश,
ये सब सुकृत, ये भी भजन नहीं होने देता। अनर्थ क्या है? जो भजन में बाधा डाले, तो ये सभी भजन में बाधा डालते हैं। तो यदि किसी को धन का लोभ हो, वैभव का, सम्मान का, आप कथा व्यास हैं, बढ़िया सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं, पांचों उंगलियों में अंगूठी धारण है, वो वैभव है, ये भी भजन में मन नहीं लगने देता। और चौथा आता है भक्ति जात अनर्थ। भक्ति जात अनर्थ भी है, अर्थात जहां पर कामना विद्यमान है। हम ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, राधा रमन लाल के मंदिर गए, महाराज बहुत बढ़िया बंगला बनवाया, लेकिन उसके पीछे कामना है, मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, मेरे पुत्र उत्पन्न हो जाए, मेरा काम बन जाए, ऐसा हो जाए तो दूध की परिक्रमा लगाएंगे महाराज गिरिराज जी, ऐसा हो जाए तो छप्पन भोग करेंगे। ये भी अपराध है, क्योंकि देखिए गौड़ी और हमारे भागवत जी के सिद्धांतों में यदि चर्चा करें तो एक तो भक्ति है, एक उत्तमा भक्ति है, तो उत्तमा भक्ति का यही स्वरूप है। अभी इस पर चर्चा श्रद्धा के बाद करेंगे, थोड़ा सा विषय हमारा अलग है। तो ये चार प्रकार के अनर्थ हमारे, अनर्थ निवृत्ति। फिर स्यात्ततो निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति होने के बाद निष्ठा और प्रगाढ़ होगी, निष्ठा प्रगाढ़ होगी तो फिर रुचि बनेगी, फिर भजन के बिना, ठाकुर दर्शन के बिना, परिक्रमा के बिना, संतों की सेवा के बिना मन नहीं लगेगा, अभ्यास बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। भक्ति जो स्वभाव बन जाए, नियम नहीं, नियम स्खलित हो सकता है लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता, इसलिए रुचि उत्पन्न हो जाएगी, स्वभाव बन जाएगा। उसके बाद प्रगाढ़ आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है दिमाग में, कि आसक्ति को समझने के लिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, दृष्टांत है कि विल्व मंगल जी जो हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं, एक बार उनके पिता की मृत्यु हुई, 13वीं का दिवस था और उनकी प्रगाढ़ आसक्ति थी चिंतामणि नाम की एक स्त्री में। तो पिता की 13वीं करने के पश्चात उस दिन बहुत मूसलाधार बारिश थी, अपने घर से निकले चिंतामणि से मिलने के लिए, और जैसे ही जाने लगे, मार्ग में बरसात थी फिर भी कोई चिंता नहीं, चलने लगे, आगे नदी थी। अब नदी में संध्या का समय हो गया था, कोई नाव नहीं थी, तो पहले समय में क्या करते थे कि जैसे किसी को कोई सर्पदंश कर लेता था या बिच्छू काट लेता था, तो पहले चिकित्सा इतनी नहीं होती थी, तो पेड़ के बड़े बड़े तनों पे क्या करते थे, उस व्यक्ति को लिटाकर पानी में छोड़ देते थे ताकि कहीं कोई वैद्य मिलेगा तो इनका उपचार कर देगा। तो ऐसा ही एक तना उन्हें दिखाई दिया, उनकी आसक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें ये नहीं दिखा कि उस पर कोई मृत व्यक्ति भी रखा है। वो उस तने का सहारा लेकर नदी पार कर गए, और जैसे ही चिंतामणि के द्वार पर पहुंचे तो रात्रि हो चुकी थी, द्वार बंद थे और उसकी दीवार काफी ऊंची थी। तो देखा वहां से एक सर्प लटका हुआ था जिसकी पूंछ बाहर की तरफ थी और मुख अंदर था, तो सर्प को ही रस्सी समझकर चढ़ गए और अंदर कूद गए। अब जैसे ही अंदर कूदे, चिंतामणि को आवाज सुनाई दी, लालटेन लेकर बाहर निकले, देखा तो महाराज विल्व मंगल जी पूरे सने हुए और वहां खड़े हुए दिखाई दिए। बड़ा आश्चर्य हुआ, उनसे पूछा, महाराज आज तो आपके पिताजी की 13वीं थी और आज आप डूबी इतनी मूसलाधार बारिश में, आप यहाँ कैसे पधारे, नाव कैसे मिली आपको, नदी कैसे पार की? तो बोले तुम्हें ने तो नाव भेजी थी। उन्होंने देखा कि महाराज पूरे शरीर पर जैसे कोई मृत व्यक्ति होता है तो बहुत दिन लाश सड़ जाती है तो उस पर कीड़े लग जाते हैं, तो वो कीड़े विल्व मंगल जी के शरीर पे वस्त्रों पे दिखाई दिए।
तो वो समझ गई कि ये किस प्रकार नदी पार करके आए हैं। फिर पूछा कि अच्छा तुमने दीवार कैसे लांघी, द्वार तो बंद था। तो बोले तो मेंढक और रस्सी लटकाई थी, देखा तो सर्प जाता हुआ देखा। तब चिंतामणि ने विरलमंगल जी से कहा कि हे महात्मा, तुम्हारी यदि इतनी आसक्ति श्री प्रभु के लिए होती तो तुमने साक्षात प्रभु को प्राप्त कर लिया होता। उस दिन उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी चिंतामणि को उन्होंने गुरु माना और कहा तुमने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। तो ये आसक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार जब प्रभु में आसक्ति होती है, ये क्रम है श्रद्धा के बाद जो क्रम आए हैं चलते हुए, रुचि फिर आसक्ति। इस आसक्ति के होने के बाद भाव का उदय होता है, ये क्रम है। अथास्तौ भावस्ततः प्रेमाभ्युदच्यते, उसके बाद प्रेम का उदय बताया गया है। ये पूरा एक नौ चरणों का क्रम हमारे गौड़ी वैष्णव के अनुसार बताया है। तो श्रद्धा, श्रद्धा पे हमारी बात, श्रद्धा के बाद हमारा देखिए एक बहुत सुंदर उदाहरण, उस दृष्टांत के द्वारा भी बात अच्छे से समझ आती है। जैसे श्रवण है, जैसे हम कथा श्रवण करते हैं, तो जिस प्रकार हम शरीर पर उबटन लगाते हैं, पुराने समय में उबटन लगाया जाता था, तो उबटन का कार्य क्या था, उबटन से क्या प्राप्त होता था, उबटन हमारे शरीर के मैल को दूर करने के लिए लगाया जाता है। उसी प्रकार कथा श्रवण से हमारा जो अविद्या और मोह जनित जो हमारा जो मैल है चित्त का, वो धुलता है। ये श्रवण का स्वरूप है उपटन का। इसके बाद हमने उपटन लगाया, फिर हमारा दूसरा कार्य का है क्या होगा, उसके बाद होता है स्नान। उपटन लगाने के बाद हमें स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार श्रवण के बाद मनन परम आवश्यक है। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है इस तरह से, क्योंकि मनन परम आवश्यक है। श्रवण करने का जिस प्रकार उपटन लगाने के बाद स्नान नहीं किया तो कोई लाभ नहीं है, उसी प्रकार श्रवण के बाद मनन नहीं किया तो श्रवण का कोई लाभ नहीं है। महात्मा का ही प्रसंग है, चर्चा है, जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी जी को कथा सुनाई, सभी वहां उपस्थित थे, परंतु विमान एक के लिए आया धुंधकारी जी के लिए। तब गोकर्ण जी ने पूछा कि महाराज कथा तो हम सबने श्रवण की, परंतु विमान एक के लिए कैसे, सबके लिए आना चाहिए। तब पार्षदों ने कहा था कि श्रवणम तो कृतम सवैर तथा मननम कृतम, श्रवण तो सबने किया, मनन मात्र धुंधकारी ने किया, इसलिए उसके लिए विमान आया। उसके बाद दोबारा कथा का सत्र हुआ, साप्ताहिक विधि से कथा श्रवण हुई, सभी ने कथा सुनी, मनन किया, उसके बाद सभी के लिए विमान आया। ये महात्मा का ही प्रसंग है। इसलिए जिस प्रकार स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार मनन भी परम आवश्यक है। अब हमारा तीसरा क्रम क्या है, उपटन लगा लिया, स्नान कर लिया, उसके बाद अंग प्रक्षालन करते हैं, अंगोछे की आवश्यकता पड़ती है अंग पहुंचने के लिए। इसी प्रकार श्रद्धा के बाद श्रवण मनन करने के बाद दया भी व्यक्ति में परम आवश्यक है, दया होनी चाहिए। देखिए भागवत जी में ही इसका वर्णन आया है दया का। वैष्णवानां त्रयम् कर्म दया जीवेशु नारद श्री गोविंदे पराभक्तिस्तद्दीयानां समर्चनम् नारद पंचरात्र। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है वैष्णवों के तीन कर्म हैं, उसमें सबसे पहला स्थान दया का है। कौन कौन से, दया जीवेशु नारद, जीवों पर दया करना, उसके बाद श्री गोविंदे पराभक्ति,
प्रभु की भक्ति तथा भक्तों की सेवा, तीन कर्म। और दया का उल्टा क्या होता है? याद। तो जिस प्रकार हम श्रवण मनन श्रद्धा सहित जब प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रभु की याद के रूप में दया भी विकसित होती है, ये स्वभाव बन जाता है, ये दया का स्वरूप है। इसके बाद चौथा और अंतिम क्रम क्या है? जैसे हमने उपटन लगाया, स्नान किया, अंग प्रक्षालन किया, उसके बाद परिधान वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार नम्रता भक्ति का परिधान है। और इसके विषय में तो बहुत बहुत वर्णन है हमारे शास्त्रों में, नम्रता के विषय में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं। हमारी पद्यावली में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने परिचय किस प्रकार दिया कि नाहम विप्रो ना च नरपति, नापि वैष्णव ना शूद्रो, नोवा वर्णी ना च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रौध्यन निखिल परमानंद पूर्णा प्रतापधे, और गोपिर भर्तु पद कमल योर दास दासानुदास। के ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ और ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, फिर कौन है? तो कहा गया कि मैं तो जो प्रभु के भक्त हैं, जो दास हैं, उन दासों के दासानुदासों का भी छोटा सा दास, दास दासानुदास। ये नम्रता, नम्रता होनी चाहिए, नम्रता बहुत बड़ी बात है। और इसका और भी वर्णन आया है नम्रता का हमारे भागवत जी में और अन्य शास्त्रों में, जैसे नम्र भय सद्गुण टिकत, ऊंचे ते गिर जात, पर्वत पर जल नहीं रहत, सिंधु माँ ही ठहरात। पर नम्र भय भय होत नहीं, ऊंचे उठे विनाश, आधी में तृण बची रहे, बड़े वृक्ष को नाश। बहुत सुंदर श्लोक है। नम्र होने से भय नहीं होता, नम्र भय भय होत नहीं, जितने बड़े होंगे उतना ही भय होगा। जैसे पर्वत पर जल अगर आए तो क्या ठहर सकता है? पर्वत पर जल नहीं रहे, सिंधु माँ ही ठहरा, नदी में ही ठहर सकता है। इसी प्रकार नम्र भय वह होत नहीं तो हुआ नम्र भय वह होत नहीं, ऊंचे उठे विनाश। आधी में तृण बची रहे, आधी चलती है तो क्या होता है? जो छोटे छोटे तिनके होते हैं वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो तन के वृक्ष खड़े रहते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं। तो इसलिए नम्रता परम आवश्यक है। और हमारे शिक्षाष्टक में तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनाय सदा हरि। तो इसमें भी प्रथम बात वही है, तृणादपि सुनिचे, अपने को तृण से भी हीन समझो। ये इसीलिए कहा गया है कि नम्रता भक्ति का परिधान कहा गया है। जिस प्रकार वस्त्रों के बिना समस्त आभूषणों की कोई शोभा नहीं है, आप बिना वस्त्र के आभूषण धारण कर लें उसकी कोई शोभा नहीं, जब बढ़िया परिधान आप धारण करेंगे तभी आभूषण की शोभा है। उसी प्रकार समस्त गुण आपके भीतर हैं, परंतु यदि निर्मलता नहीं है तो भक्ति में प्रवेश संभव नहीं है। भक्त का शेष लक्षण है निर्मलता, नम्रता, नम्रता होनी परमा। ये चार प्रकार से हमारे इसके विषय में स्वरूप आते हैं भागवत जी के।